हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन का एक नया एपिसोड, बेहतरीन और इंटरेस्टिंग एक नया एपिसोड हम आज खेलने जा रहे हैं। तो अब तक आपने देखा है कि हमने सिटी में क्या क्या किया है, मेट्रो कैसे बनाई और क्या क्या जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो सब आपने देखे। ये हमने जो बड़ा आइलैंड बनाया है वो कैसे बनाया है, ये सोसाइटी हमने बनाया और जो भी हमने बनाया अब तक आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर एक बार देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट में बताइए कि वो कैसे लग रहे हैं और उसमें कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप बताइए। तो आज हमने एक आइडिया, मतलब एक नई चीज़ हम करने वाले हैं, मतलब नहीं वैसे ऐसी कोई बहुत नई नहीं, पर हमारे सिटी में हम पहली बार करने जा रहे हैं। तो हम पहली बार हम देख जा रहे एक इंडस्ट्री हम डेवलप करने जा रहे हैं हमारे सिटी में। तो हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री, पहले ये देखो यहाँ पे इंडस्ट्री का हमने हमारा ऐड किया है यहाँ पे। तो ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, बाद में हम फार्मिंग वगैरह जो भी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो पहले हम फार्मिंग इंडस्ट्री करेंगे, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे कर सकते हैं फार्मिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत जगह है ओके। और ये जो रोड का मैंने बनाया है ना, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये रोड का मैंने क्या बनाया है और यहाँ पर मैं ये रोड का क्या मतलब है, ये क्यों मैंने बनाया है और इससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल तो आज हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। तो पहले देखते हैं हम यहाँ, तो मतलब जगह है पर ये अब ये सिटी से और ये इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पे हम पूरी सिटी भी और डेवलप करने वाले हैं, तो वो छोड़ दो। यहाँ पे भी जगह है पर ये भी हाईवे की नज़दीक है, ठीक है, पर यहाँ भी हमें ऐसी सिटी और डेवलप करनी होगी। यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ का लैंड हमने ख़रीदा हुआ नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी जगह है, पहले देखते हैं कि कहाँ पे मतलब अवेलेबल है, क्योंकि कैसा है अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सी अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये देख रहे हो अब, एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ पे गई ये, ओके ये फार्मिंग है, ओके एक सेकंड मुझे अभी भी ओके। तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली ये जो आ रहा है सब, इसका मीनिंग क्या है। ये तो ये देख रहे हैं, ये जो रेड सॉरी येलो कलर का है जो एरिया, इसका मतलब हम ये फर्टिलाइज लैंड है, मतलब यहाँ पे हम सब फार्मिंग इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं, मतलब खेतों के लिए वगैरह ये ज़मीन बहुत ही अच्छी, मतलब फर्टिलाइजर लैंड है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की मीन है यहाँ पे ऑयल बहुत है, यहाँ पे ऑयल का भंडार है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑयल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, यहाँ से कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं वो निकाल सकते हैं और आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये एक्चुअली है फॉरेस्ट एरिया। तो हमने एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया में ये हमारा पैलेस बनाया है, पर ठीक है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में कैसे थोड़ा अच्छा ग्रीन वगैरह होता है, इसलिए हमने ये फॉरेस्ट एरिया को हम यहाँ पे हमने ये पैलेस बनाया हुआ है। तब तक हमें इतना ज़्यादा, पहले जब हमने ये बनाया तो इतना आइडिया नहीं था मुझे कि ये ऐसे होता है ये गेम में, तो ठीक है हाल ही में मुझे पता चला है, तो ठीक है कोई इतना इश्यू नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सब ग्रीनरी वैसे लगाया, बहुत से पेड़ लगाए, गार्डन लगाया कराया, मतलब बनाया है, तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये फॉरेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो ठीक है। तो और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ओके ये फॉरेस्ट एरिया है सब, और ये ब्लू एरिया है वो ओरे इंडस्ट्री है, यहाँ पे वो हम डेवलप कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे सब ब्लैक है, ये हमारा पूरा ऑयल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो सकता है, तो ठीक है यहाँ पे इंडस्ट्री जोन ही है, वैसे हमारी ये इंडस्ट्री जोन ही है, तो हम बाद में यहाँ पे हम ये ऑयल इंडस्ट्री यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जगह भी वैसी बहुत है, तो यहाँ पे हम वो बना देंगे, कोई इशू नहीं। तो ये देखो ये यहाँ पे सब ग्रीन है, तो यहाँ पे हम ये देखो ये बहुत एरिया, मतलब ये पूरा एरिया हमको मिल रहा है, ये देखो यहाँ का पूरा है, अभी ये यहाँ तक ही हमारी बॉर्डर है, ये ज़मीन हम बाद में ख़रीद लेंगे। यहाँ का देखो यहाँ इस बॉर्डर तक ये पूरा एरिया फॉरेस्ट का है, मतलब फॉरेस्ट जोन हम बना सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन जोन है। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री पूरी डेवलप करेंगे और यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री वो ये हमारा, अभी हमारे पास ये लैंड नहीं है, ये लैंड हम ख़रीदने के बाद यहाँ पे हम ऑयल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मिंग इंडस्ट्री थोड़ी बहुत कर सकते हैं, यहाँ पे इस हाईवे के साइड से
इस हाईवे के साइड में ये फार्मिंग इंडस्ट्री, ओके यहाँ पे फार्मिंग इंडस्ट्री का जोन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली पूरी सोसाइटी बना दी यार, तो यहाँ का हमारा पूरा वेस्ट हो गया। यहाँ पे अभी हम नहीं बना सकते फार्मिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बिल्डिंग बना चुके हैं। अभी हम अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा, हमारा ये पूरा डिज़ाइन तैयार है। तो ठीक है, यहाँ पे शायद हम बाद में देख लेंगे, थोड़ी बहुत हो गई तो। तो हमारे पास वैसे लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, ये थोड़ी सी एरिया अवेलेबल है। ओके ये हमारे एरिया के अंदर है ना, ये भी बाहर है। तो या ये भी नहीं है एक्चुअली, सॉरी, ये इतनी लैंड है हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए। ऑयल इंडस्ट्री के लिए तो हमारे पास बहुत जगह है, ये इतना बड़ा ऑयल इंडस्ट्री के लिए हमारे पास जगह है। यहाँ पे भी हम नहीं बना सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सिटी डेवलप की है। तो ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या करना है। और यहाँ पे हमारे पास एक, मतलब यहाँ पे हम फार्मिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये भी हाईवे के नज़दीक है, पर ठीक है, ये थोड़ा हम पैसेज फार्मिंग के लिए छोड़ देंगे, कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि हमारे पास फार्मिंग ज़्यादा नहीं। तो चलो हम यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप करते थे, पहले हम यहाँ पे ये पेंट करते थे, पेंट मतलब ये हम पूरा उसके लिए अलॉट करते थे फॉरेस्ट इंडस्ट्री के लिए। ओके ये थोड़ा हैवी के यहाँ पे गया, ठीक है, हम इस एग्जैक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है, वैसे भी हाईवे के यहाँ पे गया तो कोई इशू नहीं है, वो इसके अंदर आ भी जाए तो भी कोई इतना इशू नहीं है इसका। ओके तो ये पूरा हमने इसके लिए अभी हम रिजर्व करेंगे यहाँ पे पूरी, और अभी अभी यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट इंडस्ट्री बन सकती है अगर इसको हमने इसके लिए अगर अलॉट किया है तो खाली यही इस पर बन सकती है। तो चलो ये पूरा हम कवर कर देते हैं। ओके तो ये हमने पूरा कवर कर दिया है फॉरेस्ट इंडस्ट्री के लिए। ओके तो ये अभी हम यहाँ क्या करते हैं, एक सेकंड सॉरी, ये हम इसको कनेक्ट कहाँ से कर सकते हैं। ओके यहाँ पे ये बिजली के तार कैसे आ गए भाई, ये आपको पहले डिलीट करने पड़ेंगे, ये शायद गलती से आ गए होंगे। ओके ठीक है, चलो तो हमें इसको पहले कहाँ से कनेक्ट करें ये हमें देखना पड़ेगा। ओके तो ये इसका पूरा इतना ऐसा डिज़ाइन है, तो इसके हिसाब से पहले ये बाहर का रोड पूरा हम बना लेते हैं, इसके बाद पूरा अंडर का डिज़ाइन हम करेंगे। ओके तो पहले ये इसके रोड बना लेते हैं, बाद में इसको कनेक्टिविटी देखते हैं। अभी रोड कौन से बनाने ये हमें देखना पड़ेगा, ये रोड कैसे लगेगा, ये ट्री वाला रोड 2 लेन का है। ओके 2 लेन का, ये इतना भी बड़ा, मतलब ठीक है ये बड़ा नहीं है ज़्यादा। ओके नहीं, ये तो बहुत ही बड़े हाईवे वगैरह है। ओके ये रोड कौन सा है, मीडियम इंडस्ट्री रोड ये, ठीक है ये देखते हैं पहले यहाँ पे बना के कैसे लगता है रोड। ओके सॉरी ये तो पूरा बाहर चला गया। ओके ये यार बहुत बड़ा लग रहा है, इतना पहले ही हमने बड़ा रोड बना दिया, इतना खर्चा हमको अफोर्ड नहीं हम कर सकते यार बड़ा इतना। ये देखो इस रोड की प्राइस कितनी है वो देखते हैं, उनको यहाँ पे देखते हैं ये रोड कितना रेट। ओके ये दिख रहा है 0.64 पर वीक, मतलब इसकी इतनी मतलब मेंटेनेंस का कॉस्ट है इसका। तो ये इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, पहले छोटा ही बनाएंगे, बाद में हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वाला कैसे लगेगा देखते हैं, उसके साइड में पेड़ भी है तो ये दिखने में अच्छा भी लगेगा। ओके पर ये क्या होता है, मैंने सिटी में अभी बनाया है पर ये पूरे पेड़ है ना वो सूख जाते हैं बाद में, और ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 0.48। ओके और दूसरे कौन से है रोड हमारे पास देखते हैं। ओके ये कौन सा वाला है, स्मॉल 4 लेन इंडस्ट्री रोड। ओके स्मॉल 4 लेन इंडस्ट्री रोड है। ओके और ये स्मॉल इंडस्ट्री रोड, तो ओके तो और उसमें क्या डिफरेंस है। ओके ये 4 लेन का है, ओके ये 4 लेन का है, और ये कौन सा रोड वाला है देखते हैं हम, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके ये कितने, ये सिंगल साइड, ये सिंगल, ओके ये एक ओके ये वन वे नहीं 2 लेन का ये, और ये 4 लेन का है। ओके तो 4 लेन का बना देते हैं उसके। ओके एक से इसकी कॉस्ट देखते कितनी, दोनों की कॉस्ट कितनी देखते हैं पहले। ओके इसकी कॉस्ट कितनी है, 0.25 है। ओके भाई ओके ये भी 0.25, तो 4 लेन का ही बना देते, इतना सेम ही प्राइस है अगर। ओके इसकी 30 पैसे पर सेल है और इसकी भी सेम है। ओके तो फिर यही बना देते। ओके और इसकी छोटी शायद बड़ी थी ना वो 48 कुछ था। ओके तो ये अभी इसके हिसाब से बना देते, ये बॉर्डर लाइन है हमारी, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते पहले। ओके कि इतना हम थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ देते क्योंकि यहाँ पे नहीं थी इंडस्ट्री बनाने के लिए, जगह नहीं रही हमारे पास।
ये इतना हम अंदर यहाँ से लेते हैं। ओके ठीक है, ये इतनी जगह हम छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं तो यहाँ पे जगह वेस्ट हो जाती है, यहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते, इसलिए हमें थोड़ी जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़नी चाहिए रास्ता बनाते समय। चलो छोड़ दो, ऐसे बना देते, कोई इशू नहीं। ओके ये ठीक ठाक लग रहा है रोड। ओके तो अभी यहाँ से सीधा ही बनाना पड़ेगा। ओके और अभी ये जो रास्ता है तो उसके हिसाब से ऐसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टर्न जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मतलब टर्न वगैरह जो आएंगे ना वो रास्ता थोड़ा अच्छा भी रहेगा, मतलब ऐसे लगेगा मतलब रियल थोड़ा फॉरेस्ट में जाने जाके थोड़ा रियल फॉरेस्ट वाला रोड लगा। अभी ये देखो ये कैसे लग रहा है, रियल थोड़ा ऐसे फॉरेस्ट में दोनों साइड में पेड़ लग रहे हैं और ऐसे बीच में से ये रोड जा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से बनेंगे, क्योंकि जैसे ये शेप है उसके हिसाब से ही बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। ओके ये हम इसको चूज़ करते हैं। ओके ठीक ठाक हमने थोड़ा बहुत तो बना दिया, ये थोड़ा यहाँ का अच्छा नहीं आया है, एकदम उसके हिसाब से नहीं आया है, पर ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह रहेगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम बना सकते हैं, या बाद में उसकी हम बॉर्डर बनाएंगे तो नहीं, बॉर्डर यहाँ पे बनाने के ज़्यादा नहीं हम करेंगे, क्योंकि खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। फिर एक बार हम थोड़ा ये इस रास्ते का व्यूज़ लेते हैं, कहाँ पर गए भैया हम। ओके ये कहाँ का रोड आ गया, मुझे भी समझ नहीं। ओके नहीं ये हाईवे आया शायद, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे रोड पे तो होगी नहीं। ओके ये हमारा रोड है शायद, ये देख। ओके ये देखो ये रोड हमारा है। ओके यहाँ से बहुत ही नीचे आ गया ये रोड यहाँ से, ठीक है, यहाँ की ज़मीन भी थोड़ी नीचे है, तो यहाँ से देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रोड कैसा। ओके ये देखो कितना व्यू तो अच्छा लग रहा है, ऐसे साइड साइड से पूरा ऐसे ये जो पानी का व्यू है उस। ओके तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ का रोड। ओके ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे रियल ऐसे लग रहा है कि रियल हम जंगल में से जा रहे हैं, मतलब ये तो जंगल ही है पर ऐसे मतलब रियल जंगल में से जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। ओके तो ये हमने अच्छा बनाया रोड। ओके 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 चलो भाई ज़रा फास्ट चलो। ओके ओहो भाई ये कितने ऐसे ऊपर जा रहा है रोड यहाँ से। ओके 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 परफेक्ट, तो ये रोड हमारा अच्छा बना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी फॉरेस्ट इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हम ट्राई करते हैं, फॉरेस्ट मेन बिल्डिंग। ओके मेन बिल्डिंग हमें बनानी है इसकी, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सेंटर में उसकी मेन बिल्डिंग बना दें, और ये अंडर मतलब अंदर भी हम यही रोड रखेंगे। ओके हम पहले यहाँ से सीधा ऐसे एक सेंटर में इसकी मेन बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे फॉरेस्ट एरिया के। ओके तो ये हमने यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पे हमने ये ऐसे 90 डिग्री वाला रोड लेते हैं या टर्न, पर अभी क्या होगा अगर हमने टर्न टर्न के रोड बनाए ना अंदर, तो क्या होगा हमारी जगह थोड़ी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे ये अभी आगे वाले ये अगर बैठेंगे ना ये स्मॉल ट्री प्लांटेशन के, ये देखो ये ऐसे बॉक्सेस जैसे होते हैं यहाँ पे दिख रहे, तो ये टर्न टर्न पे ना थोड़ी जगह वेस्ट हो जाती है, वो एक साइड से अच्छी तरीके से बैठते नहीं, तो हम शायद ऐसे ट्राई करेंगे कि अंदर वाले रोड हम थोड़े सीधे ही बनाएंगे, वो जिधर भी हो कनेक्ट कोई इशू नहीं। ओके ये ऐसे नहीं, ओके ये ऐसे अब हम बना सकते हैं यहाँ का रोड। ओके एक सेकंड हम पहले यहाँ का ऐसे ट्राई करते बनाने का। ओके ये कैसे रहेगा हमारा,
ओके ठीक है, हम ऐसे पहले बना देते हैं। मुझे भी ये इतना आइडिया नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट कैसे, क्योंकि जो पूरा एरिया खाली रहता है ना तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं आती है कि हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हम मैंने मेन ओके नहीं है, और सर एक सेकंड, यहाँ का रोड भी बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम पूरी मेन बिल्डिंग एकदम सेंटर में हम बनाते हैं इसके शायद। ओके परफेक्ट, तो हमारी ये मेन बिल्डिंग यहाँ पे लग गई है हमारी। ओके ये देखो यहाँ पे, पर एक्चुअली क्या है, हम यहाँ सिटी से अभी एंटर करेंगे तो ये मेन बिल्डिंग के लिए जाने के लिए ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस साइड से बनाया है। इस साइड अगर उसको कर देते तो यहाँ से सीधा एंट्री मिल सकती थी। क्या करे क्या करे, इधर से एंट्री नहीं, ठीक है यही से रहने दो एंट्री, क्योंकि बाद में हम ना ये रोड इस हाईवे को भी ये कनेक्ट कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। पर अभी तो सिटी हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है, पर कोई इशू नहीं, यहाँ का जो रोड है ना यहाँ से भी यहाँ एंटर कर सकते हैं, ऐसे नहीं यहाँ से एंटर करना, क्योंकि हमें जॉइंट अभी ओके हम इस सिटी को कहाँ से कनेक्ट करते हैं ना इसके ऊपर वो डिपेंड, पर ठीक है चलो पहले हम ये बना देते हैं बाद में देखेंगे। ओके ये यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, कैसे लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। ओके तो ये हमने बिल्ड किया। ओके अभी आगे क्या करना है, ये दूसरी बार फॉरेस्ट वर्कर पर। ओके ये वर्कर का यहाँ के सामने लगता है क्या, देखते हैं। ओके ओके ये वर्कर का इसके सामने मेन बिल्डिंग के हम सामने ही हमने लगाया, ताकि वर्कर का जो भी ऑफिस में काम रहेगा, क्योंकि उनको ऑफिस में हर बार कुछ ना कुछ काम वर्कर को रहता है, उनकी हाजिरी रहती है, उनका पेमेंट लेना रहता है या भी कुछ भी काम हो, तो उनको यहाँ से पास में रहे और मतलब ध्यान भी रहे मेन बिल्डिंग से वर्कर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमने इसके पास में बनाया। ओके और ये दूसरा क्या है, फॉरेस्ट मेंटेनेंस बिल्डिंग। ओके तो मेंटेनेंस इस साइड बनाते हैं हम, ये सब मेन बिल्डिंग के आजू बाजू ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब मतलब ऑफिस का काम, मेंटेनेंस का जो भी मतलब सब ऑफिस वर्क करना पड़ता है, तो एक अगर उस पास में रहेंगे तो ज़्यादा जाने आने में टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। ओके तो फॉरेस्ट ट्री मेंटेनेंस बिल्डिंग, ओके ठीक है तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। ओके और ये अभी हमें फॉरेस्ट लगाना, एक एक काम हमें चालू करना है। ये पहले क्या है, स्मॉल ट्री प्लांटेशन। ओके स्मॉल ट्री प्लांटेशन हमें करने है, तो हम यहाँ से एक रास्ता अंदर के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये अंदर वाले रोड है ना, ये हम छोटे वाले बनाते हैं, टू लेन ग्रेवल रोड। ये अंदर क्या है, इतना बड़ा रोड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करके कैसे होता है। ओके ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का अंदर का रोड है मेन रोड छोड़ के, तो यहाँ पे ये अच्छा रहेगा। ओके ये अभी हमें स्मॉल ट्री प्लांटेशन करने है। ओके ये देखो यहाँ पे अगर मैंने टेढ़ा कर दिया ना तो यहाँ की जगह वेस्ट हो जाती है। देखो यहाँ अगर ऐसे लगाया तो यहाँ की जगह वेस्ट हो जाएगी, और ये ऐसे लगाया तो यहाँ की जगह वेस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे थोड़े ये ट्री लगा के देखते हैं कैसे लगता है, अगर नहीं इतना अच्छा लगता है तो ये बाद में हम कैंसिल कर देंगे। ओके भाई ये देखो ये थोड़ी के थोड़ी क्या हो रहा है, यहाँ की जगह वेस्ट हो रही है हमारी, ठीक है। तो हम नहीं तो थोड़ा सा रोड यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है चलो। ये तो थोड़े से हमारे लग गए, इस साइड भी लगाते, इस ऑफिस के पीछे हम लगा देते, कोई इशू नहीं। ओके ये देखो यहाँ की जगह भी हमारी थोड़ी वेस्ट हो गई यार, ऐसे थोड़े थोड़े भी लगाने आने चाहिए थे यार, ये ऐसे पूरा थोड़ी यार ये ऐसा वेस्ट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं थोड़ा उनको भी कुछ मतलब गेम वालों ने कुछ ऐसा ऑप्शनल देना चाहिए था, थोड़े थोड़े पेड़ आपको जैसे लगाने वैसे लगा दो, मतलब हम ये ट्री कैसे सिंगल सिंगल लगाते, ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए था। ये ऐसे अगर हम अगर यहाँ पे बैठा नहीं तो ये जगह वेस्ट हो जाती है, और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ओके तो ये कैसे लग रहा है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखते हैं। ओके ये देखो, तो हमने ये मेन बिल्डिंग हमने ओके ये कहाँ पे लगाई, आपको थोड़ा सा मैं उसका व्यू दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। ओके तो हम यहाँ से जाके पहले आते हैं। ओके तो हम ये रोड से कहाँ पे, ओके नहीं ये रोड है यहाँ पे। ओके ये देखो ये हमारा फिर मेन ऑफिस है यहाँ पे। ओके ये हमारा मेन ऑफिस है यहाँ पे, यहाँ पे अभी ओके हमने चालू नहीं किया, तो अभी कोई आया नहीं यहाँ पे। ओके यहाँ पे ये लोग, और यार ये लोगों का पूरा कैम्प जैसे बनाया, और ये घर तो देखो कितने सुंदर है यार, वुड के पूरे घर है, और ये देखो कैसे इंटरेक्ट एक एक से मतलब एक दूसरे को कैसे ज्वाइन किए पूरे, मतलब यार ये काम ये वर्कर लोगों की बहुत ही मौज लग रही है यार, ये कैसे घर है एकदम भारी घर है उनके।
और या फिर बैठने के लिए उनको थोड़ा टेबल वगैरह भी है थोड़े चिल करने के लिए। और ये देख, और यार ये मतलब वर्कर के घर है या होटल है यार? ये होटल जैसे पूरा इनका सेटअप है यार, बहुत ही मौज है लोगों। ओके, और ये हमारी मेंटेनेंस बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये हमारा अभी हमने जो छोटा सा फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया यहाँ का। ओके, यहाँ पे एक लकड़ी कट भी गई शायद चालू होने से पहले या पहली गिरी थी। ओके ठीक है, जो भी रहेगी। ओके, और ये जगह हमारी वेस्ट हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। ये थोड़ा अगर रास्ता इधर होता तो वो हमारा यहाँ पे सेटअप बन जाता। ओके, और ये देखो यहाँ पे अगर ये बिठाते हम, ओके नहीं तो ये पीछे वाली थोड़ी सी जगह जा रही है उसको भी ठीक है, ये इतनी जगह तो चाहिए। अगर ये रोड हमने उधर सरकाया तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगी। तो क्या करे क्या करे, यहाँ पे अगर हमने ये हाईवे है तो हाईवे की, हाँ हाईवे के इस यहाँ पे भी हम ये पूरे पेड़ लगाएंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। हाईवे के साइड में पूरा ऐसे जंगल रहेगा तो ओके, तो हम ये पूरे हम यहाँ पे छोटे छोटे ये ओके ये और आगे कौन सा है, मीडियम ट्री प्लांटेशन। ओके, और मीडियम वाले तो यहाँ बैठेंगे नहीं, लार्ज भी यहाँ पे नहीं ऑब्वियसली बैठेंगे। स्मॉल ट्री, ओके ये क्या आइटम है यार, ये दूसरा कुछ है, स्मॉल ट्री स्पेलिंग फील्ड। ओके ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगा के देखते हैं कि क्या है तो पता चलेगा। नहीं ये कुछ, ओके ये आई थिंक स्मॉल ट्री ग्रो करने के लिए शायद ये कुछ है ऐसा वेयर हाउस जैसा। ओके ग्रीन हाउस है, ओके ठीक है, तो ये नहीं यहाँ पे अच्छे लगेंगे, इससे अच्छा हम यही वाले यहाँ पे सब लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई कुछ लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये बाकी सब बड़े बड़े यहाँ पे एरिया भी नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ओके, लग तो एकदम झक्कास लग रहा है। और ये देखो हाईवे के साइड में जाते समय भी लोगों को पूरा फॉरेस्ट का फील आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये परफेक्ट हुआ है हमारा काम यहाँ का। ओके, यहाँ पे ये कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी बैठा है क्या? अरे यार यहाँ की पूरी जगह हमारी वेस्ट हो गई यार ये। ओके, दूसरा कुछ हम चाहे तो हम लगा लेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो देख लेंगे बाद में रास्ता एडिट कर लेंगे। ओके ओके, तो अभी आगे क्या करना है? तो ओके, मेन बिल्डिंग हमने ये तो बना लिया है सब, तो अभी हम फिलहाल चालू करके देखते हैं कि क्या होता है, और हमारे एक बार सिटी का ओवरव्यू भी करके आते हैं। ओके, तो ये ओके ये यहाँ क्या इशू आ रहा है, नॉट इनम नेचुरल रिसोर्सेस, क्यों भाई ऐसा, नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि हाँ, सॉरी सॉरी, क्यों पानी भी ना, पानी वगैरह हमने कुछ अरेंज नहीं किया भाई, ऐसे नहीं चलेगा। पानी कहाँ पे, पानी हमें देना पड़ेगा भाई, इसके लिए वही इशू आ रहा है कि पानी हम कहाँ से प्रोवाइड करें, अभी कहाँ पानी का पाइपलाइन। ओके, यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल चलो ये इतना हमने बनाया है। ओके, यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए तो हमें अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाए, यहाँ पे हम विंड टरबाइन लगा के देखते हैं, एक इसके साइड में यहाँ पे लगाए तो ये सब का काम हो जाएगा। ओके, ये अभी चालू हो गई हमारी। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ये देखो यहाँ के ऑपरेटिंग नॉर्मली है। ओके, यहाँ पे ये क्यों नहीं, नॉट इनफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो ये शायद नहीं चालू हो गया यार, इनको क्या इशू आ रहा है। ओके, ये एक सेकंड हम क्या करते हैं, लैंड का एक्विजिशन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ओके, ये कहाँ पे दिखता है शायद यार, ये कहाँ पे था वो झोन झोन वाला। ओके, यहाँ पे है। ओके, तो ये जितना ग्रीन जोन है उसमें शायद वो नहीं, हो गए नहीं, वो नहीं, सॉरी सॉरी, ये जूम आउट है इसलिए नहीं दिख रहे थे, पर ये नहीं, इनको नेचुरल रिसोर्सेस नहीं शायद। ओके, मतलब इसका मतलब है जहाँ पे ये जोन है। ये क्यों बार बार आ रहा है भाई, हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, हमें नहीं चाहिए कुछ, अब ये आ ही रहा है तब छोड़ो। ओके, ये देखो यहाँ पे आ गया वो फॉरेस्ट का, नहीं हमने चूज किया,
तो यहाँ पे सब फॉरेस्ट का है ना, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्या ये यहाँ पे ये इतना दिख रहा था ना, उतना ही फॉरेस्ट का है, और ये यहाँ पे जो वाइट है वहाँ पे फॉरेस्ट के लिए भी इतनी ज़मीन अच्छी नहीं है, मतलब वो फॉरेस्ट के भी जो ट्री है वो मतलब उनको इतनी ज़मीन अच्छी नहीं, इसलिए वो वहाँ पे नहीं ग्रो हो रहे शायद। ये जो इतना एरिया है तो वही फॉरेस्ट का है क्या? पर यार वो फिर वो क्या उस एरिया में क्या करें हम फिर यार? फिर ये इतने अच्छे मैंने लगाए यार, ये ऐसे होता है ये गेम का, ये ना ऐसे नहीं, जहाँ पे भी हमने ये फॉरेस्ट एरिया हमने चूज़ किया है ना तो यहाँ पे लगने चाहिए, ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे नहीं है इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लग सकता। ये देखो यहाँ पे उनको फर्टिलाइज ज़मीन इतनी अच्छी नहीं मिल रही यार, इसके लिए वो ग्रो नहीं हो रही, और ये वाले थोड़े बीच वाली होने रहे यार, तो फिर ये निकालने पड़ेंगे मुझे, ये बहुत ही नहीं हो रहे यार, ये थोड़े बहुत इधर के हो रहे हैं, ये इधर के भी हो रहे हैं, ये बीच वालों को ही यार इश्यू है कुछ, तो यहाँ से ये निकालने पड़ेंगे मुझे सब। ये देखो ये एक भी हो रहा है यहाँ पे, यार इनको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे दूसरे पेड़, वही पेड़ लगा के देखते हैं। ओके ये वाले पेड़ लगा के, ये शायद नहीं, ये भी नहीं हो रहे। ओके ये अभी यहाँ पे ये पेड़ हमने चेंज किए तो ये तो हो रहा है, तो यहाँ पे तो वही पेड़ है यार। ये देखो मैं ऐसे होता है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे चेंज किया ना, तो ये जो हमने डिज़ाइन किया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रास्ते पे, ये सब हमारा बिगड़ जाएगा यहाँ पे यार। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये गेम का ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, तो मज़ा नहीं आता गेम खेलने में, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर आते हैं ना। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके ये अभी चालू हो गया कि इसका क्या इशू, ये क्या है, इसको क्या इशू आ रहा है? नॉट इनफ बायर्स, ओके हाँ हमें बाकी और भी यहाँ पे कुछ कुछ है वो भी देखना पड़ेगा। तो एक एक सेकंड, ठीक है ये हम बना लेते हैं पहले, एक सेकंड सिटी का थोड़ा सा टूर करके आते हैं, सिटी में कोई बड़ा इशू वगैरह नहीं ना हमारा, मेरे सिटी में कोई, और ये इनको पानी नहीं मिल रहा है भाई, फिर वह ऐसे कुछ कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू सिटी में हो जाता है, उसकी वजह से नहीं तो सिटी में बाद में परेशानी आती। ओके तो ये इनका प्रॉब्लम हो गया ख़त्म, यहाँ पे क्या इशू है क्या? नहीं ना, ये देखो यहाँ पे बहुत सारा इशू होता है सोसाइटी में, ये पिछली बार ये जल गया था, ये पार्किंग का भी जल गया था, ये इसकी वीडियो मैंने मतलब बनाई है, वो भी आपके जाके देखो कि ये पार्किंग क्यों जला था और क्या किया हमने बाद में, तो ऐसे कुछ ना कुछ बहुत बीच बीच में इशू होता है, तो वो भी हमें एक बार जाके देखना पड़ता है कि सिटी में क्या कैसे चल रही है सिटी ने, तो क्या होता है वही हम बनाने बैठ जाते हैं और सिटी में हमारा नज़रअंदाज हो जाता है, और फिर वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा इशू हो जाता है और सिटी हमारे फिर से घाटे में चलने आती है। अभी फ़िलहाल वैसे भी घाटे में है। ओके ये देखो ये पूरा भर गया है, ये पूरा भर गया है, ये पूरा भर गया है यार, ये गार्बेज का फिर इशू बढ़ जाता है फिर सिटी में बहुत, और ये सभी भर गए भाई। और तो अभी मुझे और लगाने पड़ेंगे, और किधर जगह ही नहीं भाई बची, कहाँ पे गया ये गार्बेज का, इधर का? ओके ये गार्बेज का यार, ये अभी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। गार्बेज के बहुत ही बड़े बड़े हमने ये पीस लगाए, ये अभी पूरे खाली करने के लिए हमने लगाया, फिर भी कभी कभी इशू हो जाता है इतना। अभी सिटी का पॉपुलेशन हमारा कितना है? 46,000 ही है, ठीक है ये अभी थोड़ा बढ़ेगा तो चलो, तो हम फिर से अभी सिटी तो अच्छी चल रही है फिलहाल, तो कोई इशू दिख नहीं रहा है, तो हम अभी फिर से हमारे फॉरेस्ट एरिया में आते हैं, और इस ये इधर क्या इशू आ रहा है? ये जो गार्बेज का एरिया आ रहा था यहाँ पे मल्टी, और क्राइम रेट भी आ रहा है वो, ठीक है वो पुलिस देख लेंगे, पुलिस सिटी में है हमारे। ओके तो ये नॉट इनम बायर्स, ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और भी कुछ है क्या दिखाना पड़ेगा फॉरेस्ट इंडस्ट्री में? ओके तो ये कैंसिल कर देते हैं। ओके ये तो हमने अभी इतने पेड़ तो लगाए, इनका अभी रहने दो बाद में देख लेंगे। ओके ये या ओके नहीं, ये अलग कोई इशू आ रहा था, ठीक है। ओके ये क्या है? 100 मील, ओके हमें 100 मील पहली बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पेड़ काट के अभी काटने तो पड़ेंगे फॉरेस्ट इंडस्ट्री मतलब पेड़, इसीलिए हम ये लगा रहे हैं, क्योंकि ये जब काटेंगे तो फिर से लगा लेंगे, ऐसा कुछ रहेगा तो हम। ओके ये यहाँ पे बैठ रहे हैं आराम से 100 मील, तो 100 मील हम यहाँ पे लगाएंगे, पहले हम ये 2 3 लगा 4 लगा लेते 100 मील, तो देखते हैं कैसे। ओके जैसे ही 100 मील हमने लगाई तो ये फर्टिलाइज मतलब ये, अब ये इनका अभी भी इशू चल रहा है भाई, ये नहीं इनको नहीं कुछ मतलब ये नहीं चालू हो रहे, नॉट
नहीं ऑपरेटिंग नॉर्मली दिखा रहे हैं मुझे, ओके ऑपरेटिंग नॉर्मली नॉट इनफ नेचुरल रिसोर्सेस, पर ऑपरेट तो नॉर्मल हो रहा है ओके, पर इनफ नेचुरल सोर्स नहीं इसलिए वो बढ़ नहीं रहे ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे ये फॉरेस्ट का ये नहीं ज़्यादा, यहाँ पे ये ग्रीन ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं आगे का दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे देखो ये ग्रीन मतलब ये स्टोरेज 80 टन दिखा रहा है और 70 टन अभी चल रहा है शायद कुछ। ओके तो ये पूरा ऐसे, ये देखो ये पूरा ग्रीन हो गया, ये 10 टन हो गया 80 टन के बदले। ओके ये देखो ये पूरा हो गया था यार, यहाँ का पूरा मतलब ये पूरा अच्छी तरीके से चल रहा है, तो ठीक है ये अच्छी तरीके से चल रहा है। बिल्ड मोर कमर्शियल, ओके कमर्शियल जोन की हमारी डिमांड है वहाँ पे, तो ठीक है ये ओके। तो ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये अगर फर्टिलाइज मतलब प्रॉपर वो लैंड नहीं रहती तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे इतना, ये तो नॉट ऑपरेटिंग ही हो गया भाई, ये ऑपरेट नॉर्मल हो रहा है, पर ठीक है वो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ओके ये इनका क्या इशू आ रहा है, नॉट इनफ बायर्स प्रोडक्ट। 100 मिल तो हमने लगा ही ली भाई, ओके इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। एक हम यहाँ पे पवन चक्की डाल दे रहे, ये दिखने में अच्छे हो गए, ये चालू हो गई क्या, ओके इनकी बिजली की नीड कंप्लीट हो गई, ओके। तो ये देखो यहाँ पे ट्रक हमारा चालू भी हो गया, ओके भाई भाई एक सेकंड, मुझे अभी याद आ गया कि हमने एक गलती मतलब हम एक बात भूल गए यार, हमने इतना डेवलप किया ये सब डेवलप किया पर हमने एक गलती कर दी कि यार ये सिटी को कहीं कनेक्ट ही नहीं किया हमने। ओके नहीं हमने ये सिटी को पहले पहले कनेक्ट करना पड़ेगा तभी तो सब मतलब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा हमारे, कौन सा यही वाला था ना स्मॉल फोर ले। तो हम क्या करेंगे, ये हम रोड है यहाँ पे तो ये रोड यहाँ कनेक्ट करके देखते हैं होता है क्या। यहाँ पे ये ब्रिज है ना इसलिए वो नहीं कनेक्ट हो रहा शायद, ओके यहाँ से ये जा रहा है अंदर, ओके यहाँ तक तो बन रहा है वो, ये ऐसे कर्वी वाला बना के देखते हैं। ओके यहाँ तक तो बन रहा है ये, ओके यहाँ तक देखते हैं कि परफेक्ट बना या नहीं कैसे बनाया है। ओके यहाँ तक तो ठीक बना है रोड, ओके कोई इशू नहीं, गार्बेज का इशू हो ओके वो देखते हैं हम एम्प्टी हुए क्या, वो हमें फिर से चालू, ओके और ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, अभी शायद होगा आगे क्योंकि अभी इस ब्रिज से बाहर आ गए हैं यार। अभी क्या इशू आ रहा है भाई, ये यहाँ पे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओके ये है इसलिए होना ही कर रहा है, ये इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा एरिया, ये हमने बनाया इसलिए वो शायद रोड कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके ये अभी कनेक्ट हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओके तो ये हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये नीचे से होता है क्या नहीं। ओके तो ये हमने ऐसे तैसे करके जुगाड़ करके थोड़ा कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई अभी तो कोई इशू नहीं है, पूरा ब्रिज के नीचे से गया है, ब्रिज का भी मतलब ब्रिज को भी पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला। ये देखो और ये ट्रक फिर हमारे सिटी में एंटर कर चुका है, तो सिटी से हमने कनेक्ट कर दिया है। ओ यहाँ पे पेड़ भी आ गया भाई, ओके ये तो थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है भाई। ये इतना भी नहीं ऊपर, ये ओके ये एक्चुअली इसके इसलिए हो रहा है कि ये हमने नीचे वाला ये जो कनेक्ट किया है ना ये उसका यहाँ का जो ये पेड़ दिख रहा है ये यहाँ का नहीं ये यहाँ आ रहा है इसलिए। ओके ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये रोड की लेवल सही है रास्ते के हिसाब से, तो हमें यही डिलीट करना पड़ेगा शायद कि हम यही डिलीट, और यार ये पूरा इतना डिलीट होगा, इतना नहीं डिलीट करना था भाई। ओके ये देख कहाँ पे गया ये, ओके ये रास्ता इसलिए इतना ही कनेक्ट हो रहा है यार, ये ऐसा रास्ते की वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, और ये हमने आगे ऐसे ही बनाया तो यहाँ पे ये पेड़ ऊपर आ जा रहा था रास्ते से, ठीक है हम जितना हो सके उतना, ये देखो यहाँ से हम नहीं कर सकते इतना हम कर देते, और यहाँ का थोड़ा हम देखते मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोड़ा वो करना पड़ता है। ओके नहीं ये यहाँ पेड़ आ रहा है, ओके ठीक है ये इतना कर देते हैं ताकि ऊपर से दिखने में तो ये अच्छा नहीं दिखे मतलब
कनेक्ट ही दिखेगा, मतलब ये गैप नहीं दिखेगी, ये नीचे का इतना ही रह गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये देखो हमारा ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ गया, ये देखो यहाँ पे हमारा सब ट्रांसपोर्ट होने लगा है। ये कितने हमने जो यहाँ पे मिल लगाई है, मतलब 100 मिल जो लगाई है, ऐसे पूरा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये भी हमारा अभी अच्छी तरीके से शायद चल रहा है, देखते हैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री का ओवरव्यू। ओके, तो रॉ फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारा 23 टन हो रहा है, आउटपुट 33 टन। ये प्लांट टिम्बर मतलब वो जो 100 मिल लगाई हमने उससे आउटपुट शायद ये 16 टन हो रहा है, तो वो अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट में है शायद। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से पता चलता है ये इंडस्ट्री वाला आइटम है। ओके, तो देख लो भाई हम प्रॉफिट में अभी 23.9, ये 3-4 थाउजेंड कुछ बीच बीच में जैसे प्रोडक्ट निकलता है, कम होता है उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है, और एक्सपेंस हमारा 1300 है, तो ये अभी हम 2000 के आसपास कुछ प्रॉफिट में है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री बनाई है तो अच्छी बनाई है, अभी तो प्लस में चल रही है, मतलब हमने परफेक्ट बनाई है, मतलब अभी तो कोई गलती नहीं शायद लग रही है क्योंकि प्लस में चल रही है। अगर कुछ गलती होती तो ये माइनस में चल जाती। ये थोड़ी इशू है नॉट इनफ नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे मतलब यहाँ पे उनको नेचुरल रिसोर्स नहीं मिल रहे इसलिए वो वाला मतलब चल नहीं रहे, पर ठीक है कोई ऑप्शन नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे सिटी में क्या है, ये क्या है, पैलेट बायोमास पैलेट प्लांट है ये कुछ है, ये देखते हैं ये कहाँ पे। तो ये काम करते यहाँ पे लगता है क्या, ये स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो ये हम डिलीट करके यहाँ पे हम ये लगा के देखते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। ओके, ये यहाँ पे सेटअप हो रहा है तो ठीक है चलो यही लगा देते, वैसे भी ये लगा के यार फायदा नहीं, कि इसको क्या इशू आ रहा है, नॉट इनफ रॉ मटेरियल। अरे भाई अभी चालू तो हुआ है तो इतना रॉ मटेरियल नहीं, अभी इतने तो पेड़ है हमारे पास। ओके, थोड़ा हम फास्ट करके देखते हैं ताकि कवर ऑफ होने के बाद ये चालू होता है क्या, अभी भी नॉट ऑपरेटिंग है, अभी भी भाई नॉट ऑपरेटिंग, रॉ मटेरियल नहीं उसको मिल रहा है इतना। ओके ओके, अरे भाई ये आग क्यों लग रही है हमारी यार, ये हर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हमारा यहाँ पे आग लगती, पिछली बार हमारे वो पार्किंग लॉट में आग लगी थी, वो जो हमने बनाए है ना मतलब पूरा सॉरी पूरा हमने जो सोसाइटी बनाया, हमने सोसाइटी बनाई है वो बड़ी उस आइलैंड पे, वहाँ पे वो बर्थडे केक का जो हमने बनाए हुए पार्क वहाँ पे आग लग गई थी, हमने पार्किंग लॉट बनाया था वहाँ पे भी आग लग गई थी, और यहाँ पे अभी हमारी फॉरेस्ट की मतलब मेन बिल्डिंग को ही आग लगी भाई। ये हमारे गेम में बार बार क्यों ये आग लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या हमें फिर से बनानी पड़ेगी। एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ पे गई ये मेन बिल्डिंग, ये वाली। ओके, तो जो हमने बनाई है सोसाइटी बड़ी, वो भी जाके देख लीजिए हमने वो सोसाइटी कैसी बनाई है, एक बेहतरीन सोसाइटी हमने बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनी, बहुत बड़े बड़े शायद 6 टावर हमने बनाए है, 6 टावर की वो बड़ी सोसाइटी हमने बनाई है, पूरा गार्डन मैंने आपको दिखाई थी मैंने, तो उसमें भी आग लगी थी, वो भी जाके ज़रूर देखिए वो क्या हुआ था इस। और ये देखो ये आदमी यहाँ पे चेन सॉ ले क्या कर रहा है, फॉरेस्ट वर्कर है, और यहाँ पे क्या काट रहा है भाई, यहाँ पे तो कोई पेड़ भी नहीं है। ओके, हम जाके ऐसे नीचे लाइव देख, ओके यहाँ पे उस आदमी के पास जाते, भाई क्या काट रहे हो तुम यहाँ पे कोई पेड़ दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे ये खाली ज़मीन है। ओके ओके, चला गया। ओके, इसको बोला हमने तो उसको पता चल गया। ओके, ये अभी आगे जाके, ओके वो पेड़ आगे के काटो भाई, आगे जाके पेड़ काटो, यहाँ पे क्या काट रहे हो, तो चलो हम आगे देखते हैं अभी। ओके, अभी इसको क्या हो रहा है, अभी भी इसको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो हमें और पेड़ शायद लगाने पड़ेंगे, तो हम जाके देखते हैं कि हम और पेड़। ओके, अभी हम थोड़ा बड़ा ये लार्ज ट्री वाला या मीडियम ट्री वाला लगा के देखते हैं ये कहाँ पे सेट होता है हमारा। यहाँ पे अभी हमने रोड ऐसे कर दिया है तो यहाँ पे अभी नहीं लगेंगे, तो हमें ये थोड़ा यहाँ का रोड हमें को बनाना पड़ेगा यहाँ से, ये सीधा वाला हम रोड बनाते हैं ऐसे, ये हम डिलीट कर बंद कर देते हैं ताकि रोड हमें चाहे वैसा हम बना सकते। ओके ओके, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और अब हम इस रोड पे हम बनाने की कोशिश करते हैं ये कैसे बनता है देखते। तो ये तो ऐसे अच्छे तरीके से नहीं बैठ रहा है, ये देखते हैं हम भाई कैसे बैठता है लार्ज वाला, मतलब एक ही लगाया तो काम हमारा बहुत ही हो जाए।
ओके, पर ये ऐसे यहाँ पे गैप रहती है, ये इसलिए मुझे ऐसे चाहिए था कि हम जाए जैसे ट्री लगा सकते। अभी भाई यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ पे ट्री क्यों नहीं लगा सकते? ये ऐसे तो मतलब स्क्वायर स्क्वायर वाला देना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये हमें चाहिए वैसे ट्री लगाना चाहिए, एक्चुअली आना चाहिए था तो हम अच्छे से फॉरेस्ट और डेवलप कर सकते थे। तो ये हम थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं, फिर भी इतना अच्छा नहीं लगेगा वैसे ही, क्योंकि ये कनेक्ट भी होना चाहिए ना रास्ते। सॉरी, ओके, ये अभी या ये ऐसे बना दिया तो ये इस रास्ते से कनेक्ट होता है पर इस रास्ते से कनेक्ट नहीं होता। ये देखो यहाँ पे गैप रहती, और यहाँ पे हम पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सेम वाले पेड़ हमें नहीं मिलेंगे, तो वो ये दिखने में भी थोड़ा और लगेगा। वो देखते हैं कि ऐसे वाले पेड़ हमें मिलते हैं क्या, ताकि ये हम फील कर सके यहाँ पे। ओके यार चलो ये मिल गया, तो ये दिखने में तो पूरा कंप्लीट लगेगा, बाकी काम कितना करेगा ये पता नहीं। और ये रोड कौन सा है भाई, ये रोड कौन सा, ये वाला है क्या? यहाँ का रोड इसको कनेक्ट नहीं हुई, तो ये ऑपरेट हो रहा है पर ऑपरेट नॉर्मली। ओके तो ऑपरेट तो हो रहा है, तो यहाँ का ये रोड कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये रोड कौन सा वाला है देखते हैं कि कनेक्ट होता है क्या। एक बार हमें आइडिया आ गई तो हम फिर से बनाने की। ओके नहीं ये तो कुछ अलग ही बन गया है, कि नहीं यहाँ पे कौन सा रोड है, रोड रोड रोड, ये यहाँ पे ये पानी का है, यहाँ पे ये रोड का शायद, ये कौन सा, ये देखते कनेक्ट करके होता है। नहीं यार ये लग तो अलग रहा है, पर ठीक है कनेक्ट हो चुका है रास्ते से, मतलब दिखने में तो बुरा नहीं लगेगा। ओके ये कौन सा है, नहीं ये वो अलग वाला रोड है, ये भी नहीं है रोड, तो यहाँ पे कौन से रोड है, नहीं ये बड़े वाले रोड है, छोड़ दो चलो ये इसमें इतना आगे ना हमने टाइम। ये और ये कौन सा है देखते हैं, ये कैसा लग रहा है। ओके यहाँ पे अभी जगह नहीं है बनाने की, यहाँ पे बना के देखते हैं। अरे नहीं ये तो भाई अलग ही लग रहा है, गार्बेज स्पिलिंग अप यहाँ पे। ओके हाँ, वो हमने यार वो एम्प्टी करने के लिए हमने रखा था, उसका क्या होता हो गया देखते हैं हम जाके, वो चालू करना पड़ेगा। ओके 73%, अभी थोड़ा, ये पूरा एम्प्टी होने तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा एम्प्टी होने तक इंतज़ार किया ना तो गार्बेज का इशू सिटी में बढ़ जाता है हमारे। यार ये जितनी सिटी आगे आगे बढ़ती जाती है ना, वो फिर हमारी मतलब बहुत ही इधर उधर हो जाता है, फिर ये कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, तो इशू बढ़ते ही जाते हैं। मतलब पूरी 100% सिटी ओके ऐसे नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इशू रहता ही है जितनी सिटी हमारी आगे बढ़ती जाती। तो चलो अभी आगे, अभी इसको अभी भी ओके इलेक्ट्रिसिटी नहीं भाई मिल रही, तो यहाँ पे और एक पवन चक्की। ये पवन चक्की मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि ओके स्टार क्यू आ गए, तो ये दिखने में भी अच्छी लगती है। ओके यहाँ पे लगा के देखती है इसको मिलती है क्या इलेक्ट्रिसिटी। ओके मिल गई, तो वो अच्छी लगती है और थोड़ी थोड़ी एरिया वो कवर करती है। और ये जो तार लगाने पड़ते हैं, ये जो तार, तो इससे क्या होती है थोड़ी जगह का मतलब वेस्ट हो जाती है, इशू आ जाता है, इसलिए वो भी तार नहीं लगाता। तो चलो ये रास्ता तो कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो वैसे ही और एक हम बड़ा वाला स्क्वायर यहाँ पे लगा के देखते हैं। ओके ये लगाया हमने यहाँ पे, तो ये ऐसे ही रहेगा, बीच में हमें वो पेड़ लगा के फिल करना पड़ेगा ताकि वो दिखने में कोई ऐसा मतलब अलग ना दिखे ऐसे। ये देखो एक्चुअली ये इनका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, शायद ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका कुछ ग्रो नहीं होगा, पर ये दिखने में ऐसे अलग नहीं दिखेगा इसलिए हमने ये लगा रखा। ओके ये तो अभी हमें ये रोड बनाना पड़ेगा यहाँ से। ओके यहाँ पे ये रोड नहीं बन रहा है, कि यार ये इश्यू आ रहा है, ये रोड पैरेलल कैसे लगेगा। तो यहाँ क्या बनाते हैं, यहाँ पे तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा लो रेसिडेंशियल जोन बना देते, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आएंगे तो उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए ना, तो ये बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ हमारा बैठता है छोटा मोटा एक वो देखते। ओके यहाँ पे एक छोटा बैठ रहा है यहाँ पे। ओके और ये जो रिमेनिंग है यहाँ पे हम पूरा ऐसे फॉरेस्ट का मतलब स्मॉल रेजिडेंशियल जोन बना देते हैं यहाँ पे, लो डेंसिटी जोन, तो ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो वो भी यहाँ पे बढ़ेगा,
पॉपुलेशन भी बढ़ेगी हमारी, वर्कर्स भी जो लगेंगे इसके लिए वो भी यहाँ पे काम आ जाएंगे हमारे। तो ऐसे मतलब बनाते समय पूरा वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिटी हमारी दिखने में कैसे लग रही। अरे भाई तो ये पर इस रोड की वजह से ना ये यहाँ पे नहीं बैठ रहा है यार, यार ये बहुत इशू होता है, मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल। हमें अभी इतने इसमें इतने ही पेड़ लगाने अगर हो मतलब चाहिए, ये इतनी जगह हमारे पास है इतने ही पेड़ हमें लगाने हैं तो वो भी आना चाहिए एक्चुअली। ये ऐसे पूरे ब्लॉक एक्चुअली नहीं बनाने चाहिए थे। अभी क्या करें, ये थोड़ा रोड अगर अंदर ले, ये कुछ भाई भाई अलग ही हो गया यहाँ पे। ओके अभी क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ये बैठने रहा है और छोटा हमने लगाया बिल्ट इंडस्ट्रियल जोन हमें भाई बना रहे भाई, और ये छोटा बनाया तो बैठेंगे दो। ओके चलो ये तो बैठ रहे दो दो, तो ये दो हम यहाँ पे लगाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ये तो यहाँ पे बैठ रहे हैं, मतलब जगह ऐसे वेस्ट नहीं होनी चाहिए और दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मतलब पूरा उस पर ध्यान रखता है। ये हम जोन यहाँ पे बनाएंगे। ओके यार इनको बिजली की दिक्कत आ रही है भाई, यानी इनकी खत्म हो गई बिजली की दिक्कत। ओके ये बिजली की दिक्कत खत्म हो गई इनकी, ये दो लोगों को अभी नहीं मिल रही बिजली। ओके अभी यार ओके पानी का तो है हमने सॉल्व कर दी। इनकी बार बार बिजली की इशू आ रही है और जा रही है, तो मुझे लग रहा है इशू फिर से आई है, यहाँ पे फिर से आ रही है फिर से जा रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक लगा के देखते हम। ओके और ये यार नाराज़ क्यों हो गए, आपके लिए यहाँ पे लगाया है, ये पूरा ऑपरेट हो रहा है क्या? 1 मेगावाट आउट पावर विंड स्पीड, नहीं यार ये बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे। ओके अब शायद बढ़ेगी, ये डायरेक्शन उसने विंड के हिसाब से ले लिया, अभी फ़िलहाल तो इशू नहीं है यहाँ पे। नहीं इनका भी ख़त्म हो गया, तो चलो ये तो हमारा ये इतना एरिया हो गया। ओके नॉट इनफ रॉ मटेरियल, ओके और भी यार रॉ मटेरियल तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब तो चालू, एक सेकंड ये देख रहे ये इसका क्या इशू आ रहा है। ओके यार इनको ही रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, मतलब ये इतने पेड़ लगाइए इसका मतलब ये इतना इनफ नहीं हो रहे, और भी लगाने पड़ेंगे क्या? तो ये हमने जो स्मॉल लगाया ये इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा है शायद, ये पूरा यहाँ पे का फिल कर देते हैं, कुछ जगह नहीं बचनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम बना लेंगे बाद में, या इसको ये लोड डेंसिटी जोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें ये बड़े बड़े वाले और लगाने पड़ेंगे शायद, या ये स्मॉल ट्री वाला थोड़ा अलग वाला लगा के देखते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे लगाएंगे ये। ओके और ये आगे आगे क्या है देखते हैं, ये क्या है लार्ज ट्री स्पेलिंग फील्ड। ओके ये लार्ज ट्री वाला कैसा है? ओके ये ऐसे बड़ा वाला है क्या? तो ये यहाँ पे लगा के देखते हैं। ओके ये बिल्डिंग मस्ट बी प्लेस रोड साइड, तो ये क्या है? ओके ये भी बैठ रहा है, तो ये थोड़ा लगा के देखते हैं यहाँ पे ये। ओके ओके अभी ये इतना लगाया है भाई, इतना तो इनफ होना चाहिए। नॉट इनफ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्यों नहीं भाई? अभी इतना तो लगाया है पेड़, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमने लगाया है, तो ट्रक से ट्रांसपोर्ट होके वहाँ वो आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ही भाई। ओके तो ये हमने यहाँ इतना बना दिया है, अभी ये इस जगह पे हमें कुछ रोड वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि ये एरिया हमारा यहाँ पे हम कुछ ना कुछ बना सकें। ये कैसा है, थोड़ा कर्वी बनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ का रोड वैसा ही है। जैसे हमारा बना है तो हम जाके देखते कि कैसे लग रहा है। ओके यहाँ से थोड़ा सा अंदर छोटा रहा। ओके ये देखो यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं, मतलब ये गाड़ियों के लिए भी ओके रोड है, मतलब रोड का कोई इशू नहीं कि वहाँ से ट्रक नहीं जा पाते ऐसा कोई। तो यहाँ पे हम और छोटा, और ये क्या आ गया है? ओके ये 100 मील है। ओके और ये क्या, एक छोटा सा ये इंजीनियर वुड प्लांट। ओके पहले हम लगाने से पहले देखते कि इनको मटेरियल इनफ हो रहा है या नहीं, तो इनको ही ओके ऑपरेटिंग नॉर्मली है। ओके ये बन रहा है क्योंकि ये पेपर बना दे शायद, ये देखो 15 टन की कैपेसिटी है, 1 टन अभी पेपर शायद बन चुका है,
तो इन्हें और मतलब रॉ प्रोडक्ट चाहिए होगा, इसके लिए वजह ये धीमा हो रहा है। एक सेकंड, मेन ब्रीडिंग है यहाँ पे, इंडस्ट्री एरिया का इनपुट देखते थोड़ा बहुत। ओके, 3 टन आउटपुट हो रहा है यहाँ से, 448 मिल रहे हैं यहाँ से, 1100 मिल रहे हैं के रॉ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ये रॉ और भी हमें चाहिए, इतना ही मिल रहा है शायद, ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसलिए ये स्लो बन रहा है शायद। ओके, तो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे जाके देखते हैं कितना है। ओके, अरे भाई यहाँ पे एक्सपेंस हमारा बढ़ गया और प्रॉफिट हमारा चला गया, इनकम हमारी सिर्फ खाली 2500 आ रही है और एक्सपेंस हमारा 2200 है, तो प्रॉफिट हमारी ये देखो ये 500 था, अभी फिर माइनस में चला गया। ओके, वहाँ पे जैसे बनता है उसके हिसाब से ये प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है। ये गार्बेज का इश्यू और क्यों आ रहा है भाई, हमने अभी तो चालू कर दिया है यहाँ पे, कहाँ पे गया ये गार्बेज का, ये हमने चालू कर दिया है ना भाई, अभी क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली गार्बेज का सब ओके दिखा रही है, देखो ये कितना ओके। हमने एक काम करते हैं, ये प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा के देखते हैं कहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे, और यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। ओके, यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बैठ रहा है गार्बेज, ये क्या इशू, फायर हाउस है ओके इसलिए वो नहीं बैठ रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं दूसरी किधर जगह, यहाँ पे ओके यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी एक लग रहा है। ओके, तो ये प्रोसेसिंग प्लांट भी हमने बढ़ा दिए, तो अभी गार्बेज का कोई इशू नहीं आना चाहिए सिटी में, एकदम ओके चलनी चाहिए हमारे सिटी। गार्बेज के इशू से क्या, इशू से क्या होता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है, लोग आना यहाँ पे पसंद नहीं ज़्यादा करते। ओके, तो ये देखो हमारी सिटी अभी 52,000 हमारे पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है, तो सिटी में हमारे लोग अभी, ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री हमने डेवलप की इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे मतलब लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध हुआ है, इसलिए लोग हमारे यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 52,000 हो गई है। तो ये सब ओके चल रहा है। ओके, तो ये इतने हमारे फॉरेस्ट एरिया अभी डेवलप हो चुका है, हम आगे भी अभी करेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले कहाँ पे लगते देखते, यहाँ पे लग जगह है क्या, पर यहाँ पे तो दो बैठेंगे क्या, पर ये थोड़े और बैठेंगे, एक छोटे वाले, लार्ज वाले कैसे। ओके, अरे यार लार्ज वाला तो बहुत ही बड़ा है भाई, यहाँ पे एक ही लग रहा है। ओके, ये मीडियम ट्री वाले कैसे लग रहे हैं, ये भी यहाँ पे दो बैठेंगे, फिर ये यहाँ की जगह वेस्ट हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एक बैठेगा, यहाँ पे एक बैठेगा और यहाँ पे एक बैठेगा, तो ये थोड़ा ऑड हो चुका है यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा ऑड हो चुका है यहाँ पे, ये देखो ये रास्ता ऐसे दिख रहा है, तो हमें ये रास्ता शायद डिलीट करके इसके हिसाब से बना के देखते हैं कैसे लग रहा है। ओके, अभी फ़िलहाल सही लग रहा है, ये थोड़ा पे यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे हम फिर ये लो इंडस्ट्री रेसिडेंशियल जोन यहाँ पे बनाएंगे, ताकि ये छोटे छोटे घर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पानी नहीं है शायद, यदि रास्ता नया बनाया इसलिए। ओके, तो पानी का इशू सॉल्व हो गया हमारा। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ी जगह है, तो यहाँ पे क्या बैठा है क्या, हम कोशिश करते शायद, ये तो नहीं बैठेगा, ये शायद ये कुछ एक बैठ रहा है, ये क्या है, स्मॉल ट्री। ओके, ये स्मॉल ट्री वाला कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बैठ रहा है। ओके, तो फिर ये मीडियम स्मॉल वाला देखते यहाँ पे। ओके, नहीं यहाँ पे जगह हमारी फिर वेस्ट हो जाएगी, चलो फिर यहाँ पे हम ये रेसिडेंशियल जोन ही बाद में बनाएंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ की जगह नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। या एक काम करते, ये रोड हम यहाँ से यहाँ अगर लेके गए तो यहाँ पे जगह बनेगी, तो फिर ये वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि रेसिडेंशियल जोन ज़्यादा यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हो रहा है, एक काम करते हैं हम ये रोड पहले डिलीट करके, थोड़ा यहाँ से नीचे से हम लेके जाते हैं, यहाँ से नहीं, पर कर्वी बनाया ना तो वो बैठने में दिक्कत हो जाती है यार ऐसे नीचे। तो ये रोड हम थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। यार ये मुझे समझ में नहीं आता है कैसे बनाना, हर बार मुझे डिलीट करके बनाना पड़ता है। ओके, तो ये हमने यहाँ तक अगर बनाया, तो कैसे होता है और यार कितनी जगह बचती है और क्या क्या लगा सकते हैं मुझे,
ओके यहाँ पे तो नहीं लगा सकते कुछ, यहाँ पे तो बड़ा कुछ लगता है क्या? अरे यार बड़ा भी नहीं लग रहा है, या इशू तो आ ही रहा है वैसे, ये छोटे छोटे वाले लग रहे शायद। यार ये ऐसे हो जाता है फिर, एक सेकंड में फिर से कोशिश करता हूँ। छोटा अगर लगाया तो इसकी ये पूरा बना, तो यहाँ की जगह पूरी वेस्ट हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम कुछ नहीं बना सकते। ये डिलीट करना, और आगे क्या, ये बड़ा वाला भी नहीं यहाँ पे बैठेगा, नहीं ये नहीं ये, क्योंकि दो बीच में आ रहे हैं यार। ये ऐसा अगर थोड़ा तिरछा वगैरह बनाया ना, तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाती, तो हमें क्या करे क्या करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटा वाला किधर गया? ये छोटा वाला अगर हमने यहाँ पे बिठा दिया, तो ये इसकी हिसाब से ऐसे रोड बनाना पड़ेगा कि देखते छोटा वाला बैठता है, पर हमने ये ऐसे रोड बनाया, तो ये थोड़ा तो हमें यहाँ तक वो बनाना ही पड़ेगा ना भाई, ऐसे नहीं बनेगा। और फिर से रोड बनाना पड़ेगा, ओके यहाँ तक हमने अभी बनाया, तो यहाँ का थोड़ा ही पहले बना के देखते हैं, नहीं तो पूरा वेस्ट हो जाता है हमारा टाइम। ओके अभी ये छोटा वाला तो यहाँ पे बैठना चाहिए, तो चलो छोटा बैठ गया हमारा यहाँ पे, ये तो ये ज़्यादा जगह वेस्ट नहीं होगी, तो ठीक है ये इतना इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, तो ये रोड हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऑन करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट सीधा यहाँ से बैठ जाए इस रास्ते। ओके तो ये अभी हम सारे यहाँ पे लगा देते हैं। ओके ओके ये अभी थोड़ी सी जगह भाई चाहिए थी, इसके वजह से ये एक पीस नहीं लग रहा है। ओके थोड़ा हम इसको सरका के, मतलब यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ पे, अरे यार ये क्यों आ रहा है, ये बंद हो जा, यहाँ पे लगा के देखते, ताकि ये एक पीस हमारे यहाँ पे लग गया तो हमारी जगह पूरी वसूल हो जाए। ओके तो परफेक्ट। और यहाँ पे हम ये वाला क्या, ये लगा के देखते यहाँ पे, लगते ये शायद यहाँ पे लगना चाहिए भाई। ओके तो इस तरह से हमारा ये इतना तो फॉरेस्ट एरिया हमारा पूरा चालू हो गया है। ये भाई इनके घर है, पर इनको रोड कहाँ से है, ये इसको कहीं से रोड ही नहीं दी है भाई, मतलब रोड कनेक्टिविटी नहीं दी है टायरे के लिए ऐसे कुछ, तो चलो छोड़ दो, ये इन्होंने बनाया गेम वालों ने, तो ये देखो इसको भी रोड कनेक्टिव नहीं, यार ये कैसे आ गई अभी रोड, यार लोग यहाँ पे, ये बीच में ऐसे थोड़ी सी जगह है, तो इनको एक्चुअली रोड कनेक्ट इधर हो गया ये, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये रोड को कनेक्ट होना चाहिए ना भाई, ये इसको तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये ऐसे नहीं रोड को कनेक्ट होना चाहिए था। चलो ठीक है अभी गेम वाले ने बनाया है, तो क्या जैसा है वैसा है। ओके इसको इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, यार ये स्लो चल रहा है कैसा, नहीं, ये देखो ये फूला फूल हो गया, तो ये हमारा अच्छी तरह चल रहा है। ओके और हमारा प्रॉफिट देखो 6,000, हमारा प्रॉफिट बहुत ही बढ़ गया है शायद, देखते कितना होता है का पैसा। ओके अभी हमारा 2,000-3,000 प्रॉफिट चल रहा है। ओके तो बस सिटी लॉस में तो नहीं है, 3,000 तक हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है, और ये शायद इसलिए ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं, गार्बेज पिलिंग अभी भी, गार्बेज का क्यों भाई इशू आ रहा है, ये इतना मैंने इस पर खर्चा कर दिया है ना गार्बेज पे, अभी कहाँ पे गया ये, सॉरी सॉरी ये सॉरी सॉरी कहाँ पे गया, कहाँ पे गया कहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे तो ओके लग रहा है सब, फिर क्यों गार्बेज का इशू आ रहा है भाई, ये इतना तो बड़ा है, और ये यहाँ पे गार्बेज का ये तो फुल ही दिख रहा है, कहाँ पे गया गार्बेज का, ये यहाँ पे पूरा ग्रीन है, तो हमने मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही लगाया है सब, फिर भी गार्बेज का इशू आ रहा है, क्या करें, नहीं वो बीच बीच में आता है, बीच में फिर से चला रहा है, तो चलो ये इतना हमारा तो बन गया है, और ये देखो यहाँ पे गार्बेज का इशू आ रहा है, गार्बेज या फिर, हाँ तो क्या होता है वो वहाँ से इतने मतलब ये थोड़ा दूर है ना, तो यहाँ से ट्रक आने में थोड़ा देर लग जाता है इसलिए वो, अरे भाई इन सबको गार्बेज का इशू है, इनको तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही भाई, अरे यार ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू हो रहा है,
ये इसको मिली नहीं है। काम करते हैं हम, एडवांस विंड टरबाइन। ओके, विंड टरबाइन अगर यहाँ पे लगाए तो ये पानी में लगाने पड़ेंगे और ये बहुत दूर हो जाएंगे, और फिर हमको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का वो पोल लगाना पड़ेगा। नहीं, ये हो गया, ये बीच बीच में इनके इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ जाए। इसका क्या इशू आ रहा है? नॉट इनफ बायर्स फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो ये वाला और एक लगाएगा शायद। ये अभी अच्छी तरीके से पूरे 70 के 70 पूरे वर्कर है यहाँ पे, और ये पूरा भर रहा है, मतलब हमने और एक लगा सकते हैं। तो काम करते हैं, यहाँ के ये दो डिलीट कर देते हैं और ये इस जगह पे एक बैठा है, क्या देखते हैं कहाँ पे गया। ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री का है, ये वाला था ना, बायोमिस पैलेट। अरे यार, ये क्यों नहीं बैठ रहा है? स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, स्लोप टू स्टेप, ये नहीं बैठ रहा है। तो ये कौन सा है? इंजीनियरिंग वुड वाला। और ये क्या आ गया है? पल्प मिल। ओके, ये कुछ हमने लगा के देखा नहीं यार, ये क्या आइटम है? तो ये हम यहाँ पे, ओके ये भी बड़ा है यार, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे सरका के देखते एक सेकेंड यार। ओके, यहाँ पे उसको नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिल रहे भाई को, भाई को मतलब ये जो लगाया है पेड़ वाला। और ये भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लगता। शक, ओके, तो यहाँ पे ये पास, ओके ये यहाँ पे फिट बैठ रही है। ओके, ये इसको इनफ रॉ मटेरियल नहीं है भाई, थोड़ी देर रुक, अभी तो चालू किया है तुझको, यहाँ पे प्लांट मैंने सेटअप किया है तो थोड़ी देर रुक, मिल जाएंगे प्रोडक्ट। हाँ, ओके, यहाँ पे ये देखो कैसे कैसे ढलांग हो गई एकदम से, मतलब परफेक्ट नहीं मैच हुआ। ये देखो, ये भी थोड़ा ऐसा ही है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा रास्ता है इसलिए ऐसे हो रहा है। अभी भी इसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। अभी क्या इशू है इस, यहाँ पे तो नॉट इनफ बायर्स दिखा रहे हैं। ओके, ये देखो, ये हो गया चालू। ओके, थोड़ा देर लगता है क्योंकि ये सब सिस्टम चालू होने में। ओके, नॉट इनफ बायर्स, तो 100 मिल में शायद और बढ़ानी पड़ेंगी। 100 मिल लगा देते यहाँ पे, और दो 300 मिल लगा लेते। ये अभी चालू होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इनको नहीं मिल रही, तो यहाँ पे और एक हम, ओके यहाँ पे तो हम ये काम करते हैं, ये लगा लेते हैं। यहाँ पे दो नहीं बैठ रहे, यहाँ पे एक लगा लेते हैं, तो ये इनका इलेक्ट्रिसिटी का इशू खत्म हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग नॉर्मल हो रही है। ओके, आउटपुट पावर, आउटपुट 14 मेगावाट, विंड स्पीड, ओके ठीक। ओके, तो ये भी ओके से चल रहा है, ऑपरेट नॉर्मली हो चुके हैं, इनको इनफ प्रोडक्ट मिल चुका है। नॉट नॉट इनफ बायस, ठीक है, वो ट्रक का ट्रांसपोर्ट जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर। ओके, ये रोड हमें कनेक्ट करना हम भूल गए। ओके, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके भाई, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो सिस्टम ओके चल रही, यहाँ पे नॉट इनफ बायर्स है। के मतलब और भी हम लगा सकते हैं क्या ये प्ला या ओके ठीक है, चलो यहाँ का पूरा कंप्लीट ही कर देते, यहाँ पे जितने लगते हैं वो सब कंप्लीट कर देते। ओके, तो ठीक है, चलो ये पूरे हमारे कंप्लीट हो गई लाइन, 100 मिल की हमारी ये पूरी लाइन हो गई। और हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। बायर्स, अभी इनको बायर्स, और भी बायर्स नहीं है इनको, और भी मतलब प्रोडक्शन हमारा शायद ज़्यादा हो रहा है। कि हम जाके देखते हैं, ये मेन बिल्डिंग हमारी कहाँ है? इसको अभी भी गारबेज का इशू है ही भाई, इतना प्रोडक्शन हो रहा है अभी हमारा फॉरेस्ट का। हाँ, अभी ये देखो बहुत हमारा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत हो रहा है। ये देखो 1282 टन हमारी कैपेसिटी, और उसमें से 952 टन हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है हमारा। पेपर अभी भी हो रहा है हमारा, ओके ये भी हो रहा है। तो ठीक है, हम अभी अच्छी कंडीशन में हमारा फॉरेस्ट इंडस्ट्री हमने ग्रो किया है, चल रही है अच्छे से। वर्कर्स अंटिल नेक्स्ट लेवल, ओके एरिया बोनस, ओके एफिशिएंसी हमारी 18% है, पॉपुलेशन -30%, क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं। टोटल प्रॉफिट 4000 है हमारा, ओके तो गुड प्रॉफिट है हमारा। ये देखो यहाँ पे 4000 दिखा रहा है, तो सिटी भी हमारी 7000 प्रॉफिट में आ चुकी है। एक बार हम देखते हैं सिटी में टैक्सेस वगैरह कितने लगाए। ओके, सिटी में टैक्सेस बहुत ही कम है यार, 9% टैक्सेस है। थोड़े हम क्या करते हैं, 9 टैक्सेस हम थोड़े बढ़ा देते, 10% 11% कर दे, सबके कर देते, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी चाहिए भाई, इतने कम 9% टैक्स कौन लेता है। तो सबके हम 11 11 कर देते हैं,
और बाद में देखते हैं अगर कुछ इशू आता है, लोग अगर ज़्यादा छोड़ने लगते हैं सिटी हमारे, तो फिर से कम कर देंगे वो, क्या हम कैसे भी कर सकते हैं। ओ भाई कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट बढ़ा, देखो ये थोड़े से हमने परसेंटेज बढ़ाए सिटी के, तो 13,000 31,000 तक हमारा प्रॉफिट चला गया, जो 7,000 था वो के। अरे पर यार लोग छोड़ रहे हैं हमारे सिटी यार, -180 -2, और इतने लोग हमारे यहाँ से छोड़ के चले जा रहे क्योंकि टैक्सेस इतने बढ़ाए इसलिए हमने। ओहो नहीं नहीं फिर हमें वो 300 लोग, ओके नहीं 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 यार फिर हमें टैक्सेस थोड़े कम करने पड़ेंगे, 11 नहीं हम 9 थे ना तो 10 ही कर देते फिर सबके। इतने अचानक से हमने टैक्सेस बढ़ा दी इसलिए शायद लोग सब एकदम गड़बड़ गए, सब लोगों ने सोचा अरे यार इतना टैक्सेस क्यों भाई एकदम से बढ़ाए। तो एक एक पॉइंट करके हम बढ़ा देते, पहले 10% करते थे, 10 पे क्या होता है 10 पे अभी भी लोग छोड़ रहे, और ये देखो लोग छोड़ने की वजह से क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट तो एकदम से बढ़ के दिख गया। ये देखो अभी फिर से 30,000 से सीधा हम 50,000 पे आ गए, मतलब पूरा 50% हमारा प्रॉफिट चला गया, और वो नीचे ही चला जा रहा है क्योंकि लोग एकदम से छोड़ने लगे हमारी सिटी, जैसे हमने टैक्सेस बढ़ाए लोग हमारी सिटी छोड़ने लगे। भाई ऐसे नहीं, ऐसे मत करो भाई, अरे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ अच्छा तो मैं सिटी कैसे डेवलप कर दूँगा यार। फिर 11,000 तक आ गया हमारा प्रॉफिट भाई, लोग सब छोड़ते जा रही है, 317 लोग छोड़ते जा रहे हैं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए यार यार यार, ये अच्छी बात नहीं। ये देखो यहाँ का तो घर खाली हो गया, अबेंडेड हो गया घर ही, क्यों भाई छोड़ के चला गया क्या ये टैक्सेस इतना, और ये कोई यहाँ पे मर भी गया शायद, लाइक रेसिडेंसी या क्या इशू आ रहा है शायद, एम्बुलेंस आ गई तो मर गया शायद, डेड पर्सन ओके यहाँ पे मर गया, क्यों भाई इतने नेचर में तो रह रहे हो इतने जल्दी कैसे मर गया। अभी तो घर यहाँ पे ओके कोई बूढ़ा भी आ गया होगा शायद, चलो छोड़ दो ओके। तो अभी क्या करे, अभी क्या करे, नॉट इनफ बायर्स प्रोडक्ट, मतलब और यहाँ पे ये हमें लगाने पड़ेंगे शायद, ये देखते हैं। और ये क्या है ओके ये क्या था, विंड सॉ मिल ओके, ये यहाँ पे क्या बैठा है देखते, छोटा सा जो यहाँ पे बैठेगा वो हम लगाएंगे यहाँ पे ओके। ये क्या हमने ये लगाया नहीं, ये शायद एक लगाया शायद, ये आप नहीं लगाया क्या, नहीं ये एक भी नहीं लगाया, तो यही दो लगाए हमने, तो ये लगा के देखते, ये हमने अभी ये बायोमास तो लगा लिया, इंजीनियर वुड प्लैनेट ये लगा के देखते हैं हम क्या होता है ये, कि ये यहाँ का हम डिलीट करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, कहाँ पे गया, कौन सा आइटम था ये, इंजीनियर वुड प्लैनेट ओके। तो ये हमने यहाँ पे लगाया, ये इसका क्या फायदा होता है देखते, ये क्या बनाते हैं, प्लैनेट टिम्बर कुछ बनाता है ये इनफ, उसको ओके प्रोडक्ट मिलना चालू हो गया, इसको भी प्रोडक्ट मिल गया तो ठीक है, आज हमने इतना तो कंप्लीट किया, नॉट इनफ बायर्स प्रोडक्ट ओके। वो धीरे धीरे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, मतलब ट्रक आके लेके जाएंगे माल, वैसे वो सब ओके हो जाएगा ओके। यहाँ पे क्राइम रेट का इशू है वो ठीक है, वो पुलिस आ जाने के बाद हो जाता है, क्योंकि जैसे ये हमारे सिटी से बहुत दूर है तो यहाँ पे अगर कुछ क्राइम होता है तो यहाँ से पुलिस वहाँ आ जाएगी, तो टाइम लगता है इसके लिए। और ये हमने सिटी को एक ही जगह से कनेक्ट किया है तो हमें दूसरी और भी एक दो जगह से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि हमने आज बहुत काम कर दिया है, तो अब जाके हम थोड़ा आराम कर लेते हैं ओके। यहाँ पे बहुत लोग शायद डेड हो रहे हैं भाई, ये तो बुरी बात है, ठीक है देख लेंगे जो भी इशू है वो ओके। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अभी हम जाके आराम करते हैं, आज हमने बहुत मेहनत किया है, ये पूरा फॉरेस्ट इंडस्ट्री हमने डेवलप किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि हम आगे और इस फॉरेस्ट इंडस्ट्री में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करने वाले हैं, कैसे ये आगे डेवलप करने वाले, अभी भी हमारी प्रॉफिट में, और ये इतना करके फिर हमारी प्रॉफिट तो इतना ही आ रहा है, हमारे 7,000 ही प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि हमने टैक्सेस बढ़ाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि लोग हमारे चले गए, ठीक है अभी फिर से 10,000 हो गया। और ये एक्चुअली इसमें इसका कितना हिस्सा है देखते हैं ओके, इसका 4,000 ही अभी प्रॉफिट, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए, पिछले भी वीडियो जाके ज़रूर देखें हमने क्या क्या सिटी में बनाया और कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए, और आपके कुछ सुझाव हो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि, और कमेंट में ये भी बताना कि ये फॉरेस्ट एरिया हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, और क्या आपको आइडिया कुछ आपके है वो ज़रूर बताइए, जो आइडिया मुझे बताएगा और अगर उसकी आइडिया मुझे अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पर वो
अप्लाई करूँगा उसके नाम के साथ, मैं बताऊँगा कि ये आइडिया मुझे किसने दी है और क्या आइडिया है वो मैं बताऊँगा, और उससे उसका चैनल का नाम है मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इस भाई ने मुझे ये आइडिया दी है और ये देखो कितनी अच्छी आइडिया उसने दी है, तो ये मैं करूँगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना आपकी जो भी आइडिया कुछ रहेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलो तब तक अपना ध्यान रखिए, मौज कीजिए ज़िंदगी में और मेरे वीडियो देखते रहिए। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।